दोस्तों, डायनासोर्स के खत्म होने के बाद हम इंसान इस धरती पर किस तरह से आए ये कोई नहीं जानता है। हालांकि इसके बारे में कई सारी थ्योरीज दी जाती है, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर तय नहीं कर सकता। लेकिन वक्त वक्त पर हमें इस तरह के सबूत मिलते गए जिससे हम इंसानों की विकसित होने की वजह सामने आने लगी, और इस वजह से हम इंसानों के बीते हुए वक्त को समझने लगे। लेकिन हम सबके दिमाग में यह होता है कि हमारा बीता वक्त क्या था, और आखिर वो कौन सी वजह थी जिस वजह से हम इंसान इस धरती पर राज करने लग गए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि इंसान इस धरती पर किस तरह से विकसित हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर विशालकाय डायनासोर्स का राज था, लेकिन इनके साथ साथ एक और प्रजाति विकसित हो रही थी जो हमारे पूर्वज बनने वाले थे, जो कि बिल्कुल चूहों की प्रजाति की तरह दिखाई देते थे। लेकिन धरती पर डायनासोर्स का राज था, इसलिए हमारे पूर्वजों को डर की वजह से और जिंदा रहने की वजह से धरती के अंदर बिलों में रहना पड़ता था मजबूरन। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी अचानक आसमान से एक 10 किलोमीटर के आकार वाली चट्टान धरती से आकर सीधा टकरा गई, और वो टक्कर इतनी भयानक थी कि उसने धरती पर सारी चीजों को जलाकर राख कर दिया था। और इस घटना के बाद विशालकाय डायनासोरों के साथ साथ धरती पर जो भी 75% प्रजाति रह रही थी वो भी नष्ट हो गई, और जो भी प्रजातियां बच गई थी उनमें से हमारे पूर्वज भी थे। वो इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि वो धरती के बहुत ही अंदर बिल बनाकर रहते थे। और इस प्रलयकारी घटना के बाद जन्म हुआ मैमल्स का, और बाद में यही मैमल्स अलग अलग प्रजातियों में विकसित होते गए, और इनके विकसित होने के साथ साथ धरती का वातावरण भी नॉर्मल होने लगा। आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले धरती पर इस तरह की प्रजाति विकसित हुई जो आगे चलकर इस धरती पर राज करने वाली थी। ये और कोई नहीं बल्कि हमारे पूर्वज थे जो बिल्कुल बंदरों की तरह दिखते थे, और वो 4 पैरों पर ही चलते थे। लेकिन इनका दिमाग विकसित नहीं था बल्कि बहुत छोटा था। ये जीव पेड़ों पर ही रहना पसंद करते थे। वक्त बीतने के साथ साथ ये विकसित होते गए, और जैसे जैसे हमारे पूर्वज बदलते रहे वैसे वैसे धरती में भी बदलाव आ रहे थे। धरती पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हलचल कर रही थी वो कभी पानी के ऊपर आके घास और मैदान बनाती थी, कहीं पर समतल मैदान बनाते थे तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाते थे, और इन पर्वतों से बहती हुई नदियां पानी को घास तक पहुंचाने लगी। लेकिन ये बदलाव अभी नहीं रुकने वाला था। आज से लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, लेकिन ये पर्वत श्रृंखला अफ्रीका के मैदानों के लिए श्राप बनने वाली थी, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला इतनी ऊंची थी कि इसने हवाओं को रोक दिया था, और इस वजह से बारिश का मौसम कभी अफ्रीका में आया ही नहीं, और इस वजह से अफ्रीका में जो भी मैदान थे वो बहुत ही सूख गए थे, और इसी सूखने वाले जंगलों में रह रही थी ऐसी प्रजाति जिसे अभी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना था, और इस प्रजाति का नाम था द ग्रेट एप्स, और इस प्रजाति को पेरोलापिथेकस के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें हम पेरोला कहते हैं। ये पेरोला नाम के जीव पेड़ों पर ही रहते थे, और ऐसा भी माना जाता है कि इन जीवों ने 2 पैरों पर चलना जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर ही सीखा था, और आगे चलते चलते हमारे पूर्वजों ने 4 पैरों पर चलना छोड़कर 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। ये पेरोला जंगल में ही रहते थे, लेकिन अफ्रीका में ज्यादा दिन तक बारिश ना होने की वजह से जंगल सूखने लगे थे। इस वजह से इन्हें जमीन पर आना पड़ा और पेड़ों को छोड़ना पड़ा, और तब से हमारे पूर्वज जमीन पर रहने लगे, और ये दिन में अपना खाना जमीन पर ढूंढते थे और रात में पेड़ों पर सोते थे। लेकिन इनका दिमाग भी काफी छोटा था और हाइट 4 फीट होती थी। इस प्रजाति ने धीरे धीरे ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। जंगल काफी तेजी से सूखते जा रहे थे, इसलिए इन्हें खुले मैदानों में आना पड़ा, और तब जाकर इन्होंने पहली बार मांस को हाथ लगाया और मांस खाना शुरू कर दिया, और मांस खाने से इन्हें काफी ज्यादा फायदा होने लगा, और मांस खाने से इन्हें वो पोषक तत्व मिलने लगे जिससे दिमाग का विकास होता है। आज से लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज दिमागी तौर पर काफी विकसित होने लगे थे, और इनका दिमाग पहले की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। यह है होमो हैबिलियस, और इसी प्रजाति ने सबसे पहली बार पत्थरों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करना सीखा, और उससे इन्होंने भारी मात्रा में अपने लिए शिकार किया। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जो कि उस वक्त की सबसे बुद्धिमान प्रजाति थी, और इसी प्रजाति ने आग जलाना सीखा और मांस को भूनकर खाना सीखा, और अब आग पर खाना पकाकर खाने से इन्हें अपने खाने को पचाने में जो ऊर्जा लगती थी वो भी कम लगती थी,
और जो भी ऊर्जा बच जाती थी उसका इस्तेमाल दिमाग के विकास होने में लग जाता था और धीरे धीरे इस प्रजाति ने जंगली जानवरों से अपना बचाव करना सीखा था। ये अब एक दूसरे को जानने लगे थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे और यही वो प्रजाति थी जो आगे चलकर हम इंसानों की बुद्धिमान प्रजाति का बेस बनने वाली थी। अब ये प्रजाति शिकार करने में माहिर हो चुकी थी, आग को काबू करने में माहिर हो चुकी थी और सबसे जरूरी ये प्रजाति मौसमों के बदलाव को झेलने में माहिर हो चुकी थी। ये लोग एक से दूसरे महाद्वीपों तक पूरी दुनिया में फैल चुके थे और आईसीएच के आने से पहले ये सब लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां आईसीएच का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर पड़ा था और ये प्रजातियां बस्तियां बनाकर रहने लगी और ये प्रजातियां थी होमो सेपियंस यानी कि हम। इसी के साथ साथ हमने खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, बड़े बड़े गांवों, कस्बों और शहरों को बनाना सीखा। हमने नई नई सिविलाइजेशंस को जन्म दिया, हमने गणित और विज्ञान को समझा, हमने अंतरिक्ष की दूरियों को छोटा किया, नई नई तकनीकें बनाई और हमने चांद पर कदम रखा। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि जब हमने पहली बार पेड़ों से उतरकर जमीन पर कदम रखा था उसके बाद हम चांद पर रख पाएंगे। लाखों सालों का वक्त लगा हमें इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी बनने में। तो दोस्तों ये था डायनासोर के खत्म होने से लेकर हमारे आज के इंसान बनने तक का सफर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।